जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स है ना, 1A यानी एल्कली मेटल्स, उनके चार कंपाउंड हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद बेटा ग्रुप 2A है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके तीन कंपाउंड्स अब हमें स्टडी करने हैं। तीनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं बेटा। कल मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। आपको बताया था दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक फॉर्म क्या है बेटा, किजराइट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का क्या मतलब, MgSO4.1H2O। और दूसरी क्या है, एप्सम सॉल्ट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मतलब MgSO4.7H2O। हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मींस 7। आपको बोला था कि इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो दो फॉर्म्स में ये पाया जाता है। एक फॉर्म है MgSO4.1H2O जिसका नाम है किजराइट, और इसे मोनोहाइड्रेट फॉर्म कहेंगे क्योंकि 1H2O है, ठीक है। दूसरी फॉर्म है एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, इसे हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म कहेंगे क्योंकि इसमें कितने H2O है, 7H2O। ऐसा ही है। अच्छा भाई, प्रिपरेशन मैंने आपको बताया था कि भाई लैब में आपके पास इन चार चीजों में से कुछ भी अवेलेबल हो, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लैब में आपके पास इन चारों में से कुछ भी अवेलेबल हो, आप इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये इक्वेशंस मैंने आपको मुकम्मल करने के लिए दी थी, जो कि आप लोगों ने अपनी रिवायती बेरहती का मुजाहरा करते हुए नहीं की होंगी। लड़कों कर ली, माशाल्लाह। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा, अजीम कर ली। इसी के लिए तो बोला था मैंने रिवायती बेरहती का मुजाहरा करते हुए नहीं किए होंगे, जहन से निकल गया। हाँ भाई, आमिर अब्दुल समद अफान कर ली। बेटा मैं जरा लड़कों से मुखातिब हूँ, लड़कों की रिवायती कुछ ज्यादा है ना, इसी वजह से। अली साजिद साइम अफान कह रहे कर ली, निहाल कह रहे कर ली, साइम कह रहे कर ली, खिजर कह रहे कर ली है मगर पता नहीं सही है कि नहीं। चले अब हम करते हैं तो देख लेगा कि सही है कि नहीं। बेटा सिंपल, मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोजन को धक्का देके हटा के और SO4 से अटैच होके क्या बना लेगा, MgSO4, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहां भी ऐसे ही होगा, मैग्नीशियम मेटल इस हाइड्रोजन को धक्का देके हटाएगा और SO4 के साथ मिलके बना लेगा MgSO4, दूसरा क्या बनेगा, H2O। वेरी गुड, यहां भी ऐसा ही होगा भाई, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2H2O। ये तो भाई छाप ली बुक से देख के। और यहां पे भी ऐसा ही होगा, ये तो बहुत लंबी छापी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहां से आया फिर ज़हन में, बेटा इतने इतने समझदार होने की एक्टिंग नहीं करो। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको एक बात हमेशा, पता नहीं अभी तक बोली है कि नहीं, लेकिन आज बोल रहा हूं तो जरा दिमाग में रखना कि बेटा अगर किसी भी सॉल्ट का नेगेटिव आयन कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट होता है,
ठीक है भाई, अगर किसी भी सॉल्ट का नेगेटिव आयन क्या होता है, कार्बोनेट या बायकार्बोनेट, सीओ थ्री या एच सीओ थ्री, और आप उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, तो बेटा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। बात मैंने पहले बताई है क्या? जहां तक मुझे याद है शायद मैंने बताई हो। तो देखो, एक तो मेन प्रोडक्ट बन गया MgSO4। अब क्योंकि कार्बोनेट आयन था तो ये अब कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनेगा। हाँ भाई, चारों इक्वेशंस किसने सही बनाई? निजला, खिजर, सारी सही है सर। वाओ, हसन तुमने किया था? अच्छा भाई, सबकी सही है, सब कह रहे हैं वाह भाई, सब चीते हो गए। अच्छा भाई, यू दिस, ये जो एप्सम सॉल्ट है ना, एप्सम सॉल्ट वाली फॉर्म, इसका एक अहम यूज है और वो है माइल्ड परगेटिव। बेटा परगेटिव एक मेडिसिन होती है जिसको थोड़े थोड़ी आसान अंग्रेजी में लेक्सेटिव कहते हैं। जी बेटा, जिसको अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, वो लेक्सेटिव जानता है क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं लेक्सेटिव क्या होता है? लेक्सेटिव बेटा वो कब्ज हो जाता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो फिर उसको खोलने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है वो कहलाती है लेक्सेटिव्स। ठीक है भाई, तो कहना ये चाहिए कि जी बेटा, बेटा वो क्या कहते हैं उसको, एक हकीमी दवा है, वो कहते हैं जमाल गोटा, सुना है? तो बस वही लेक्सेटिव्स होता है वो। ठीक है बेटा, आमिर का मैसेज आया, ओके। अली साजिद कह रहे हैं फोर्थ में H2CO3 नहीं होगा। बेटा बिल्कुल यही होता है, लेकिन H2CO3 जो बनता है ना वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। बेटा याद रखना ये बात अली, ये बात मैं बहुत अहम बात मैंने आपको बताई है कि कभी भी अगर किसी सॉल्ट का नेगेटिव आइन CO3 या HCO3 होगा और आप एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो H2CO3 जो बनता है ना वही ब्रेक होके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपने यही लिखना होगा। इनफैक्ट प्रैक्टिकल में भी आप यही करोगे। आपको पता है बेटा, आपके प्रैक्टिकल में मैंने बताया था कि सेकंड ईयर में सॉल्ट एनालिसिस मेजर है और उसमें आपको सॉल्ट का पॉजिटिव आइन और सॉल्ट का नेगेटिव आइन मालूम करना होता है। तो नेगेटिव आइन्स में आप सॉल्ट डालते हो टेस्ट ट्यूब में, सॉलिड सॉल्ट, और उसमें डाइल्यूट HCl डालते हो, वो भी एसिड है। तो अगर बबलिंग हुई तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बबलिंग जैसी एफर्वेसेंस सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती है ना वैसी। तो इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसका मतलब सॉल्ट का नेगेटिव आइन कार्बोनेट था या बाय कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद है बेटा कैल्शियम सल्फेट। सेकंड कंपाउंड जो हमें स्टडी करना है बेटा वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। हाँ भाई, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट जिस फॉर्म में पाया जाता है वो कहलाती है जिप्सम। और बेटा ये डाइहाइड्रेट है, डाइहाइड्रेट का क्या मतलब होना चाहिए, CuSO4.2H2O। वेरी गुड। तो जिप्सम जो है वो डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट कॉमनली डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है CaSO4.2H2O, और इसका कॉमन नाम है जिप्सम। ठीक है भाई, इसका कॉमन नाम क्या है, जिप्सम। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें वो ये है, एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम। बेटा इनऑर्गेनिक में तीन चीजों पर, कभी कभी चार चीजों पर एक्शन ऑफ हीट पूछा जाता है।
एक एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम है चैप्टर 3 में, एक एक्शन ऑफ हीट ऑन सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कॉस्टिक है चैप्टर 5 में, एक एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड है चैप्टर नंबर 4 में। बेटा एक्शन ऑफ हीट का मतलब होता है ड्राई सॉलिड को हीट करना, किसको हीट करना, ड्राई सॉलिड को। अब जैसे जिप्सम ड्राई सॉलिड होता है पाउडर, आप जब उसको हीट करोगे तो क्या होगा, यही हमें पढ़ना है एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम। तो बेटा होगा क्या, लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्शियली, लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्शियली। तो बेटा जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि ये वाला पानी जो है उसको लूज करेगा, बट पार्शियली, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं करेगा, पार्शियली करेगा। रिएक्शन देखें बेटा, CaSO4.2H2O यानी के जिप्सम जो कि क्या होता है, डाइहाइड्रेट। जब हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.5H2O, हेमीहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है वन वाटर मॉलिक्यूल, वन एच टू ओ। हेमी का मतलब क्या होगा बेटा, हाफ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट, CaSO4.2H2O से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4.5H2O। इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुना है। तो बेटा ये हेमीहाइड्रेट जो है ना CaSO4.5H2O, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा देखो, हाफ की फॉर्म में कभी लिखा नहीं जाता, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 2 CaSO4.2H2O, इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा बेटा यहाँ पे 1.5H2O आना चाहिए, ठीक है, जरे वाटर जो लूज हुआ है। अब देखो मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 2 CaSO4.2H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, CaSO4.2H2O प्लस 3H2, यानी जो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O है, इसकी स्टीशियोमेट्रिक फॉर्म ये है CaSO4.2H2O, यानी बेटा दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर, तो एक के साथ कितना होगा, हाफ। लेकिन लिख इस फॉर्म में नहीं सकते, ये नॉन स्टीशियोमेट्रिक फॉर्म है, कोई भी रेशियो, कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, होल नंबर। तो इसलिए हम इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप ये बताओगे, बिकॉज दिस वन इज द स्टीशियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ भाई, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस प्लास्टर ऑफ पेरिस की। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप सही प्रोपोर्शन में पानी के साथ मिलाते हो तो पहले एक पेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद वो हार्ड होने लगता है, परमानेंटली हार्ड मास फॉर्म कर लेता है। बेटा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की खासियत है, और इसी वजह से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हो गड्ढे भरने के लिए, उन्हें तो दीवार पे प्लास्टर करते हैं, यानी कि पेंट से पहले जहां जहां पे जैसे आपने कीलें ठोकी थी दीवार में वहां सुराख है, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो पेंट करने से पहले जो होल्स को फिल करते हैं सरफेसेस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बना के और उसको भरते हैं उसमें, ठीक है भाई। तो ये एक काम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हार्ट टूट जाता है किसी का, टांग टूट जाती है, तो उसके प्लास्टर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो असल में वो पट्टियां होती है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ होता है, उसको बांधता है डॉक्टर, पहले हड्डी को बिठाता है सही जगह पे, फिर उसको बांध के उसको गीला करता है, उसके कुछ देर बाद वो हार्ड प्लास्टर में कन्वर्ट होता है। तो उसका काम क्या होता है, इमोबिलाइजेशन,
वो बोन बोन के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं, ठीक है बेटा, बोन के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं उनको वो ऐसे आगे पीछे मूव होने नहीं देता, क्योंकि अगर वो ऐसे मूव होता रहे तो वो कहीं भी जुड़ जाएगा, कभी इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, उल्टा सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा मोल्ड्स बनाने में, मोल्ड समझते हैं, मोल्ड उर्दू में कहते हैं सांचे, अंग्रेजी में कहते हैं मोल्ड्स। आपकी नॉलेज पे आफरीन यूं है कि ना उर्दू में पता होगा ना अंग्रेजी में पता होगा, ना मोल्ड पता होगा ना सांचे पता होगा, है भाई, ना उर्दू में ना अंग्रेजी में, पश्तो में आती नहीं है। अजीम तुम्हें आती होगी बताओ। अच्छा तो इसी तरह तो बताएं भाई, आप लोगों को पता है मोल्ड सांचे, साचे नहीं सांचे। जैसे मुझे ये मार्कर बनाना हो, मुझे इस मार्कर की शेप का कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा कि एक ग्लास लूंगा, उसमें मार्कर रख के चारों तरफ इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरूंगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, हार्ड। फिर मैं उसमें से मार्कर निकाल लूंगा, तो बिल्कुल मार्कर की शेप बनी हुई होगी उसके अंदर। फिर मैं मेटल पिघला के डालूंगा या कोई भी चीज डालूंगा तो वो बिल्कुल इसकी शेप में आ जाएगी। इसे हम मोल्ड या सांचे कहते हैं, ठीक है, समझ जाओ मैंने इशारों में क्या बोला, ठीक है भाई। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको बनाया जाता है, तो फिल होल्स, मोल्ड्स या डाइज बनाने के लिए, और इसी तरह सर्जिकल कास्ट, ठीक है भाई, सर्जिकल कास्ट, ठीक है भाई। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, आखिरी कंपाउंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भाई। आखिरी कंपाउंड और चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला असल फॉर्मूला है CaOCl Cl, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। अब एक चीज समझिएगा बेटा, यहाँ पे एक अहम बात बताने लगा हूं, ध्यान से देखें बेटा। जिस तरह Cl नेगेटिव आयन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोराइड, ऐसे ही एक होता है OCl नेगेटिव आयन, इसका नाम होता है हाइपो क्लोराइट। ठीक है भाई, जैसे Cl नेगेटिव आयन होता है क्लोराइड आयन, OCl नेगेटिव आयन क्या होता है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है, आखिर में याद रखिएगा। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, चार्ज होता है +2, तो एक जुड़ गया Cl नेगेटिव के साथ और एक जुड़ गया OCl नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया CaOCl, जिसको हम कलेक्टिवली ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। बट ये असल फॉर्मूला है जो कि आपको ये बता रहा है कि कैल्शियम का चार्ज क्योंकि +2 होता है तो ये -1 वाले दो आयन्स के साथ जुड़ेगा, एक उनमें Cl नेगेटिव है और दूसरा OCl नेगेटिव है। इसका केमिकल नेम जो कि किताब में लिखा हुआ नहीं है वो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, ठीक है बेटा, क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो और ये हाइपोक्लोराइट, ठीक है। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ये फॉर्मूला सजेस्ट करने वाले थे प्रोफेसर ऑडलिंग, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला किसने सजेस्ट किया था, प्रोफेसर ऑडलिंग ने, प्रोफेसर ऑडलिंग। हाँ अब देखिए भाई, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, इसको बनाया जाता है इंडस्ट्री में बाय हेजन क्लेवर्स प्रोसेस। बेटा नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ चुका है,
ठीक है भाई, ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्रियल स्केल पे कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? हैजन क्लेवर्स प्रोसेस, ये नाम याद रखिएगा। और बेटा ब्लीचिंग पाउडर पे शॉर्ट नोट आता है, एक सवाल होता है जो लॉन्ग का पार्ट बनता है, ठीक है भाई, एक सवाल होता है जो लॉन्ग का पार्ट बनता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर पे अक्सर शॉर्ट नोट आता है। और ये एमसीक्यू हैजन क्लेवर्स प्रोसेस से, और इस प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, एक मिनट, अल्लाह इसकी बीमारी, ठीक है भाई, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करवाया जाता है बेटा? इनसे, ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करवाया जाता है? क्लोरीन से। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2 और क्या बनेगा? H2O। तो ये है वो रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का, जिसके जरिए ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेटा ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज, क्योंकि पूरा शॉर्ट नोट आता है ना, तो इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस सब लिखे जाएंगे। बेटा ये वाइट कलर का अमॉर्फस पाउडर होता है, ठीक है भाई, वाइट कलर का अमॉर्फस पाउडर विद स्मेल ऑफ क्लोरीन। बेटा ब्लीच की स्मेल से आप सब लोग वाकिफ होते ही है ना, और ब्लीच की वो जो खास स्मेल है वो किसकी वजह से होती है? क्लोरीन की वजह से। तो ये व्हाइट कलर का अमॉर्फस पाउडर होता है और इसमें क्लोरीन की स्मेल होती है। और बेटा सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है, अब इसके रिएक्शंस हैं बेटा तीन, पहला रिएक्शन है विद वाटर, इसी इक्वेशन को उल्टा कर दो जो ऊपर प्रिपरेशन में लिखी है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 विद वाटर क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्लोरीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूजेस में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है भाई। तो पहला रिएक्शन पानी के साथ, मैंने बताया प्रिपरेशन वाली इक्वेशन को आप रिवर्स कर दो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे आ गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे आ गए, ठीक है भाई। तो पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अहम तरीन क्लोरीन गैस फॉर्म कर रहा है। बेटा सेकेंड रिएक्शन है विद एसिड, एसिड्स के साथ भी क्लोरीन गैस बनती है। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम CaOCl2 विद HCl एसिड, CaCl वाटर बनता है और क्लोरीन गैस। तो पानी के साथ भी क्लोरीन गैस बनी और एसिड के साथ भी क्लोरीन गैस बनी। बेटा ब्लीचिंग के लिए, सॉरी बेकिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर, अरे इसमें क्या हो गया बेटे? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला रिएक्शन है जो अलग से पूछा जाता है विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पेपर में रिएक्शंस किस तरह से पूछे जाते हैं, बार बार मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स बताई हैं। और बेटा अक्सर जो है स्टेटमेंट्स जो होती है, स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि एक सवाल की हेडिंग होती है कि गिव द फॉलोइंग रिएक्शंस या व्हाट हैपेंस व्हेन, और उसमें नीचे ए बी सी डी ई करके, ठीक है भाई, ए बी सी डी ई करके उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, और हर स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या?
एक रिएक्शन। तो कई बार ये पूछा हो गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा जब ब्लीचिंग पाउडर को हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सपोज छोड़ देंगे। आप ऐसे समझ लो जैसे ब्लीचिंग पाउडर जिस थैली में है वो खुली रह गई और वो हवा के कॉन्टेक्ट में रहा, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर भी होता है बेटा हवा में, वॉटर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और HOCl। बेटा ये HOCl जो बना है ना, अरे यार मेन चीज ही गड़ गई, यहां लिख रहा हूं बेटा HOCl, ये सबसे मेन प्रोडक्ट है इसका। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड बेटा, जिस तरह HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। Use this. अच्छा भाई नाम जो है ब्लीचिंग, तो सबसे पहले पहला यूज क्या होना चाहिए, इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन। बेटा लिनन समझते हैं, जिसे खवातीन बोलती हैं लीलन का कपड़ा, हो भाई लिनन होता है वो, लिनन, लाइनन नहीं लिनन, बोलना ही नहीं आता आप लोगों, ठीक है भाई। तो ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन वगैरह में यूज होता है। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, अब है असल बात। हाँ भाई खवातीनों हजरात, जिसने ब्लीचिंग का सही मतलब बता दिया उसे 100 रुपए का नकद इनाम। और ये देखो अफान कितना यार वो है, फौरन गूगल करके बता दिया, टू फेड द कलर टू रिमूव द कलर्स, वाओ ये इनके अपने अल्फाज है ही नहीं है बेटा। यही आप लोग अगर मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते ना और मैं पूछता ब्लीचिंग का मतलब क्या है, तो हर बंदा एक ही बात बोल रहा होता, सफाई। ये जितने लोग घर से बैठ के क्लास ले रहे हैं ना और बता रहे हैं अंग्रेजी में टू रिमूव कलर्स टू फेड द कलर्स, तो असल हकदार इनाम का ठहरा है अजीम। अजीम कहाँ चाहिए इनाम ने पूछा था कोचिंग के दो आपको अवार्ड सर्टिफिकेट के साथ, ये मतलब था, ठीक है भाई। तो खैर देखो बेटा, सर ये भी कोई सवाल है, साद खान बोल, अरीशा कह रही है नहीं सर हमें तो पहले से पता, अफान कह रहे हैं टू रिमूव कलर्स। अच्छा बेटा ब्लीचिंग लव्स का मतलब होता है डीकलराइजेशन, यानी के, और डीकलराइजेशन का मतलब सिर्फ कलर को खत्म करना नहीं होता बल्कि कलर को चेंज करना भी होता है, ठीक है भाई। जैसे बालों में ब्लीच लगा लो तो बाल अजीब से कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लीच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कलर कपड़ा ब्लीच में डालोगे वो सफेद होके निकलेगा, सिर्फ ये नहीं होता, कलर का चेंज होना या कलर का खत्म हो जाना दोनों ही क्या है, ब्लीचिंग। और ये कैसे होता है जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए किसी भी चीज का जो भी कलर होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, एंड दैट केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पिगमेंट्स। पत्तों का हरा कलर पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल। हमारी स्किन का जो भी कलर है, बालों का जो भी कलर है, वो भी पिगमेंट की वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट नाम है उसका। पेंट्स का जो कलर होता है, कपड़ों में जो डाई किया जाता है कलर,
वो सब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें पिगमेंट्स कहा जाता है। और बेटा ब्लीच क्या करता है, पिगमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है बेटा, ब्लीच क्या करता है, ब्लीच ब्लीच का काम क्या होता है, पिगमेंट को ऑक्सीडाइज कर देना। जाहिर है बेटा वो ऑक्सीडाइज कर देगा, उसका कलर क्या, वो पिगमेंट उसकी केमिकल फॉर्म चेंज होगी तो कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये जो ब्लीचिंग में कलर चेंज होता है वो कैसे होता है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज का जो भी कलर है वो किसकी वजह से होता है, पिगमेंट जो कि केमिकल सब्सटेंस है। ब्लीच क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसकी केमिकल फॉर्म चेंज होती है, इस तरह कलर क्या हो जाता है, चेंज। ये है ब्लीचिंग का फिनोमेना। बेटा स्किन पे भी जब ब्लीच करती हैं खवातीन, लड़के भी करते हैं खैर अब तो स्किन पर जब ब्लीच करती हैं खवातीन, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्किन का कलर भी किसकी वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। तो वो क्या करता है, उस पिगमेंट को ऑक्सीडाइज करके रिमूव करता है। नाउ कीप दिस इन योर माइंड कि स्किन पर ये वाला ब्लीच यूज नहीं किया जाता, क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस आर हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज। ठीक है बेटा, क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस कभी भी स्किन पर लिविंग टिश्यूज में यूज नहीं किए जाते। तो बेटा आपके स्किन ब्लीचेस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है भाई, तो पहला यूज हो गया ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन वगैरह। बेटा दूसरा यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वॉटर। बेटा आपने सुना होगा कि लाइन का जो पानी घरों पे आता है, जो कि नहीं आता लेकिन पढ़ाते हुए यही बोलना पड़ता है कि आता है, स्विमिंग पूल्स का जो पानी होता है उसमें क्लोरीन शामिल की जाती है, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा भाई क्लोरीन कैसे शामिल करेंगे, क्लोरीन तो गैस है। आपने बेटा अगर कभी देखा हो ना फार्म हाउस वगैरह अगर कभी गए हो, जब आप लोग पहुंचते हैं तो वो एक पाउडर डालना होता है स्विमिंग पूल के अंदर, वो पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर। और हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर पानी में जाता है क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन। मैंने बताया था इसकी सिग्निफिकेंस यूजेस में बताऊंगा, तो यही वाली बात है। तो जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर पानी में जाता है, पानी में से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, क्लोरीन होता है। जब ही तो आप जब बहुत ज्यादा देर रहते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, ऐसा होता है ना, इसीलिए होता है। ठीक है बेटा, अभी जो क्लोरीन का काम क्या होता है, बेटा क्लोरीन एक जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन पानी के अंदर ये प्रोड्यूस करता है फर्दर HOCl। ठीक है बेटा, क्लोरीन पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, HOCl। HOCl बेटा ये एक जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जरासीम को मारने वाला। बेटा आपने सुना होगा गुज़िश्ता दिनों में एक अमीबा आया था, निगलेरिया फाउलेरी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। बेटा निगलेरिया नाक के जरिए जाता है ब्रेन में और उसके बाद बचने का कोई चांस नहीं होता। ये कुछ टाइम पहले ही आया था कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में या वजू में नाक में जब पानी डालते हैं। और बेटा ये ऐसी बात नहीं, रिसेंटली भी अभी एक लड़का था 17-18 साल का, निगलेरिया से उसकी डेथ हुई है। बिकॉज निगलेरिया में बचने का कोई चांस ही नहीं होता, किसी को अगर निगलेरिया नाक के जरिए उसके ब्रेन तक पहुंच गया बस फिर वो मरे गए। तो देखें, और निगलेरिया जैसे जरासीमों से बचना और बहुत सारे बैक्टीरिया से बचना, उसका सबसे आसान हल है क्लोरीन। पानी में क्लोरीन शामिल करेंगे, क्लोरीन क्या है, एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट, बड़े पैमाने पर जरासीम क्लोरीन जरासीम को मार देता बड़े पैमाने पर। इवन जो हमारे घरों में पीने वाला पानी आता है उसकी भी क्लोरिनेशन होती है, जो कि कम होती है डायरेक्ट स्विमिंग पूल वाले पानी के कंपैरिजन में, लेकिन होती है और होना जरूरी भी है। बहुत सारे जरासीम सिर्फ क्लोरीन से खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्लोरीन एक जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट है और पानी में क्लोरीन के तहत शामिल की जाती है ब्लीचिंग पाउडर के शामिल करने से। अच्छा भाई, तो ये हो गया है आखिरी बात, बेटा चैप्टर यहाँ पे खत्म है और कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। बेटा वजू करके आना कल की क्लास में, 2 रकअत हाजत के पढ़ के आना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगे, क्योंकि नहीं आई तो मैं बता रहा हूँ आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और बेटा कल से अगर किसी बच्चे ने छुट्टी की तो उसकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी और उसको अल्लाह हाफिज़।